होम बायर्स की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। बिल्डर पर भरोसा कर होम बायर्स 90 से 95% तक की पेमेंट बिल्डर के हाथ में दे देते हैं, ये सोचकर कि उन्हें जल्दी उनका सपनों का घर मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि रियल स्टेट में मंदी है, जिसकी वजह से बिल्डर अपना टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाते, जिसका खामियाजा होम बायर्स को भुगतना पड़ता है। आज हम आपको दो ऐसे बिल्डर्स की कहानी बताते हैं जिनके होम बायर्स को सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। रियल एस्टेट में आई मंदी से हर कोई परेशान है। प्राइमरी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स गायब हो चुके हैं। हर कोई सेकेंडरी मार्केट में घर खरीदने को अहमियत दे रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट में मंदी गहराने से बिल्डर्स समय पर पोजीशन नहीं दे रहे हैं। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट नहीं बिक रहे हैं, जिसका खामियाजा होम बायर्स को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है BPTP का, जिसने गुरुग्राम के 37D में प्रोजेक्ट लॉन्च किया और काफी समय बीत जाने के बाद भी होम बायर्स को पोजेशन नहीं दिया गया। होम बायर्स कह रहे हैं कि कई टावर पोजेशन के बिल्कुल करीब हैं और बेसिक एमिनिटीज नहीं होने की वजह से वहां रहना काफी मुश्किल है। धक्के खा खा के आज सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी इतना मुश्किल हो रहा है, और सारी उम्र की कमाई जो है इन्होंने हड़प ली है, और अभी तक कुछ आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि घर देंगे। इसमें बिल्डर ने 4 टावर हैं BJ, F और G, इन 4 टावर्स का बिल्डर ने ऑफर ऑफ पोजीशन दिया है और लोगों से इनका पैसा मांगा है। और बहुत दुख की ये बात है कि बिल्डर ये पैसा कैसे मांग सकता है, जबकि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है। इस मामले पर BPTP ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। कई होम बायर्स ने पेमेंट में देरी की है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई है। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान के तहत 40% होम बायर्स ने 11 करोड़ पेमेंट का डिफॉल्ट किया। बिजली की सप्लाई DG से दी जाएगी और निगम और बिजली देने की कीमत का अंतर कंपनी अदा करेगी। पोजीशन में देरी की वजह से BPTP ने पेनल्टी को 5 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट प्रति महीना किया है। ये तो बात हुई BPTP की। आइए आपको बताते हैं एक ऐसे बिल्डर की वादा खिलाफी, जिसने ग्रेटर नोएडा में कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और फ्लैट्स देने के नाम पर होम बायर्स से काफी रकम इकट्ठी की। बिल्डर ने होम बायर्स को हर महीने एश्योर्ड रिटर्न देने का वादा भी किया। कई साल बीत जाने के बाद भी अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने पोजीशन देना तो दूर की बात, कई जगह पर सिर्फ स्ट्रक्चर ही खड़ा किया। होम बायर्स का आरोप है कि बिल्डर ने हर महीने देने वाला एश्योर्ड रिटर्न देना भी बंद कर दिया। होम बायर्स कहते हैं कि कई बार इस मामले में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पैसा लेने के बाद बिल्डर ने बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। वो एश्योर्ड रिटर्न को कहते हैं जी कि उसके बदले में आप हमारे से कुछ डिस्काउंटिंग ले लीजिए, 30 महीने में हमारे बनते हैं करीब 30%, वो कहते हैं जी 20% आप डिस्काउंट ले लीजिए, या और फिर कहते हैं जी कि अभी 2-3 साल 4 साल और लगेंगे इसको बिल्डिंग को पूरा होने में। हमें नहीं मालूम जी कि बिल्डिंग कभी पूरी होगी भी या नहीं होगी, हम क्या पता पूरे हो जाए, इस संसार से चला जाऊँ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रॉपर्टी बाजार में आई मंदी से हर कोई परेशान है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन होम बायर्स का क्या जिन्होंने बिल्डर को पेमेंट कर दी है और पोजेशन के लिए अभी तक बिल्डर के यहाँ चक्कर काटने पड़ रहे हैं। गौरव खोसला, जी मीडिया। अगले 6 से 9 महीनों में छोटे निवेशकों के लिए किराए से कमाई का जरिया बन सकता है। रियल स्टेट कंपनियां रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के इश्यूज लाएंगी, देखिए इस रिपोर्ट में। रिसर्च फर्म JLL के मुताबिक कई बड़ी कंपनियां रेट्स की लिस्टिंग के लिए तैयार है। 6 से 9 महीनों में पहला इशू आने की उम्मीद है, जबकि 3 साल में टॉप ऑफिस स्पेस का 25% यानी करीब 1.25 करोड़ स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी रेट्स के जरिए आएगी, जिसकी वैल्यूएशन 1.2 लाख करोड़ के करीब होगी। ऐसा हुआ तो भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, मलेशिया और जापान जैसे देशों के मुकाबले आगे निकल जाएगा। इंडिया की जो रीट पोटेंशियल है वो करीबन 18 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, बहुत बड़ी मार्केट है रीट के लिए। और ऑफिस मार्केट के लिए रिटर्न्स जो अट्रैक्टिव होने चाहिए वो कुछ अगले कुछ महीनों में वो अट्रैक्टिव रिटर्न्स की सिचुएशन बनेगी। रीट्स के नियम काफी पहले ही आ चुके थे, लेकिन बजट में टैक्स नियमों में रियायत से कंपनियां अब इस पर फोकस कर रही है। जो कंपनियां पहले रीट्स लिस्टिंग करा सकती है उनमें DLF, MBC, के रहेजा ग्रुप, यूनिटेक, पंचशील रियल्टी और RMZ कॉर्प शामिल है। रीट्स के लिस्टिंग के बाद फंडिंग की कमी दूर होगी।
छोटे निवेशक भी कम से कम रकम लगाकर मुनाफे में हिस्सेदार बन सकेंगे। रीट्स के आईपीओ में कम से कम 2 लाख रुपए लगाने होंगे, जबकि सेकेंडरी मार्केट में 1 लाख रुपए वाली यूनिट की भी ट्रेडिंग होगी। आज होगा, दिसंबर में होगा, दिवाली में होगा कि अगली दिवाली में होगा, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन होगा वो हकीकत। इकोनॉमी में रिकवरी के साथ कमर्शियल रियल एस्टेट, खास तौर पर ऑफिस स्पेस की मांग में तेजी आने की उम्मीद है। आईटी और बीपीओ के अलावा फाइनेंशियल, फार्मा, ऑटो और इंजीनियरिंग सेक्टर में मांग बढ़ने का अनुमान है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।